19 फरवरी को सेक्टर हुड्डा कैथल में होने वाली महापंचायत के निमंत्रण को लेकर सोनिया दुहन गांव गांव जाकर दौरा कर रही है और निमंत्रण दे रही है। आपको बता दें कि सोनिया दुहन जो है वो कैथल में अन्य अन्य गांव जाकर कार्यक्रम कर रही हैं और महापंचायत को लेकर काफ़ी जन समर्थन भी उन्हें मिलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दूँ साथ ही साथ उन्होंने जिस भी गाँव में कार्यक्रम किए हैं वे गाँव हैं उझाना, डुंडवा, शिमला, कुराड़, गुणा, दुंदरेड़ी, छोत, बाबलदाना और माघो माजरी में जाकर वो अपने कार्यक्रम कर रही हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं ये वही सोनिया दुहन है जो 26 जनवरी को पहवा में खेल मंत्री संदीप सिंह के द्वारा जो तिरंगा फहराने को लेकर जो विवाद हुआ था और उस टाइम सोनिया दुहन भी चर्चा में आई थी। तो इसी को लेकर एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जो सोनिया दुहन है गाँव गाँव जाकर दौरा कर रही हैं और 19 तारीख को होने वाली महापंचायत का निमंत्रण भी दे रही है। इस्तीफा करा दिया, यू जेल में भेज दिया तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि इनकी छोरियों का हाथ ना लग दिया दोबारा तरह ऐसी हो जाएगी, ये हिम्मत नहीं कर पाओगे। इनकी हिम्मत रोज बदल लग रही है जी, कदे करनाल ऐसी घटना लग रही है, कदे महेंद्र घटता हुआ है, कदे सहारता लग रही है। एक दो दिन पहले जी कुलपति MDU जो यूनिवर्सिटी है रोहतक उसके ऊपर इल्जाम लग गए हैं, रोज इसी घटना रोज की रोज बदल लग रही है जी। हाँ जी, हाँ जी, तो जी और एक अखबार में जो सरकार की जो सेंटर सरकार की रिपोर्ट है हरियाणा छोरियां का रहन लायक स्टेट नहीं है, छोरियां को ऊपर सबसे ज्यादा अगर बदसलूकी और छोरियां गला उत्पीड़न लुगाइयां गला हुआ है तो हरियाणा में हुआ ही उनको देख लो जी, समाज किस तरफ जान लग रहा है बापा इन्होंने जान। और मैं जी यहाँ से शामी आई हूँ, मैं छोरी हूँ, मैंने जी आज उस छोरी का साथ नहीं दिया, लड़के ने मेरे गला होगी तो मेरे गला भी कोई नहीं खड़ा होगा और हो नहीं मन तो लड़ना पड़ेगा जी, और काम भी लड़ लो नहीं तड़का नहीं आया घर भी है लेकिन ये बराबर में तड़का अपना भी लड़ जाएगी। धन्यवाद। काम में पहुंची है एक जो हरियाणा का जो मंत्री है खेल मंत्री, उस खेल मंत्री की बदतमीजी के कारण से और उसके गलत रवैये के कारण से, गलत बर्ताव के कारण से जो समस्या सामने इस समाज को, समाज समाज नहीं है पूरा हरियाणा को आई है, ये अपनी बेटी है सोनिया दुहन, इन्होंने ये एक किस्म का बीड़ा उठाया है कि वे जब तक सही है इसको, उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा और इस मंत्री को बर्खास्त करके जेलों के सुराखों के पीछे नहीं जाएगी, जाएंगे वो उस टाइम तक चैन से नहीं बैठेगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये आज एक लड़की के साथ हुआ, एक के साथ नहीं है, ये इनका आप दे सकता है तो मैं ना तो किसी के डूम हक में, किसी के डूम हाँ ना हम किसी का हक में ना किसी के विरोध में, वह जो इन्होंने अन्याय कर रखा जनता के साथ सरेआम आप लोगों ने देख लिया, आए दिन इन मंत्रियों के, अमल्यों के, इनके लड़कों के या इनके रिश्तेदारों का एक ना मतलब 5-7 केस डेली इनके सामने आ जाते हैं, ये तो सोशल मीडिया उठाती है ये भी मुद्दे, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का जो मीडिया है वो मीडिया गुलाम हो चुका है, मीडिया इन्होंने खरीद लिया, अगर कोई भी मीडिया या पत्र मीडिया का आदमी पत्रकार कोई सच्चाई उगलता है, सच्चाई कहता है तो उसका पीछा चाहे ईडी लगाओ चाहे कुछ भी कार्रवाई करो या उसको भी जान से मारने की धमकी है, उसको भी जान से मार दिया जाता है। हुआ है गाड़ी का पीछा बांध कर मारे एक पत्रकार अब पीछे, इसलिए बुजुर्गों नौजवान साथियों ये बहुत एक अहम सवाल है इस जनता का ऊपर,
क्योंकि आज उनके साथ हो रहा है। एक बात देखो, इस सरकार के अंदर आप लोगों ने जब एक चीज की बात हो जाती है, कोई दोषी हो जाता है और उस दोषी सरेआम एफ आई आर होने के बाद जिसका ऊपर गैर जमानती धाराएं लगी हुई हो और वो सरेआम घूम रहे हो, तो इसका तो साफ जाहिर होता है कि भाई सरकार की पूरी सह है। इस हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है, हरियाणा सरकार है या प्रशासन है, ये सभी के सभी उसको बचाने में लगे हुए हैं। और आप लोगों ने देख लिया, ये तो हाथ से हो रहे हैं, तुमसे हो रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया आप लोगों के ऊपर ये, और इस समस्या का समाधान ये लड़की अकेली फिरेगी तो इसने कोई नहीं पूछागा। इसने भी कहीं ना कहीं किसी ट्रक के साथ इस गाड़ी ने अलझा लेंगे और ट्रक के साथ अलझा के इसकी भी खड्डे में डाल देंगे, इसकी भी लाश का पता लगेगा। ऐसे गिरे हुए आदमी है ये। इसलिए आप लोगों की ताकत है, आप लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य बनाना, अपनी इज्जत रखनी है, अपने बाल बच्चों की इज्जत रखनी है और अपनी इज्जत को बरकरार रखना है, तो आप लोगों ने इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक ये लड़ाई आप नहीं लड़ोगे तो ये समझ लो कि आपके साथ से भी कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है।